नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। स्टेट हाईवे 2B पर ग्राम पंचायत कालवा बड़ा की सीमा में स्थित टोल बूथ पर टोल कर्मियों द्वारा नशे की हालत में स्थानीय वाहन चालक के साथ विवाद को लेकर मारपीट कर बंदी बनाया गया और जबरन टोल वसूल करने का मामला प्रकाश में आया है। बुधवार को टोल कर्मियों द्वारा कालवा निवासी प्रकाश सैन पुत्र रतनलाल सैन के स्थानीय निवासी होने के बावजूद टोल को लेकर मारपीट कर बंदी बनाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद विवाद हो गया। कालवा वासियों ने इस बारे में जानकारी मिलने पर कालवा बड़ा सरपंच दिलीप सिंह राठौड़ के साथ टोल नाके पहुंचे और प्रकाश सैन के साथ मारपीट के जाने की घटना पर रोष प्रकट किया और आए दिन स्थानीय लोगों के साथ टोल कर्मियों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार व टोल बूथ पर बैठकर नशा किए जाने पर एतराज जताया। इस दौरान मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक श्री राम भीचड़ ने घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए टोल कर्मियों के अनुचित व्यवहार पर असंतोष जताया। इस संबंध में ग्रामवासियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए टोल कर्मियों को निर्देश दिए। सरपंच दिलीप सिंह के अनुसार कालवा बड़ा के निवासियों के टोल नहीं लगता, लेकिन जबरदस्ती मारपीट कर टोल वसूला जा रहा है। डॉक्टर मनोहर सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की जा रही हेराफेरी से इस मार्ग से उपभोक्ता परेशान है और सरकार को भी बड़ा राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई बार टोल कर्मी टोल की रसीद पर उनके वाहन के नंबर तक नहीं लिखते, ऐतराज करने पर उपभोक्ता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को नियमानुसार दी जाने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। टोल कर्मी अपने टोल ठेकेदार को राज्य मंत्री का भांजा बताते हुए मारपीट तक पर उतारू हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक मामले को लेकर पीड़ित पक्ष और टोल कर्मी ने अपनी अपनी रिपोर्ट मकराना पुलिस को दी है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश किया जा रहा है, नहीं मानने पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। मैं हलवाई काम किया करूँ और कालवा क्षेत्र में लोकल में मैं काम करूँ। मैं सुबह हमारा घर हूँ, हमारी गाड़ी मिस्टेक हुई, बिल ले रहे हो, हमारी गाड़ी बार बार बंद हुई, तो मैंने क्यों हमारी गाड़ी बंद हो रही है, भीड़ है, मन भी और उकाट दियो, आप वन वे लगा मैंने और मन दूसरी और उकाट दियो टाइम अतः मन क्यों टोल ला के 25 रुपये साहब टोल को नहीं क्यों टोल 25 रुपये मैं देऊँ कौन लोकल हूँ क्यों तो एक काम कर टोल देनी पड़ी 25 रुपये साहब 25 रुपये मांगन तो को नहीं क्यों लोकल तो गाड़ी में बढ़ गो गाड़ी दी मन बी के बाद के मायने हमारी गाड़ी नठी नाट अटा गाड़ी मारी खड़ी करवाई आगे खड़ी कर मैटे खड़ी करी पद मन बुलाए वो बटे बुला और बी के बाद में मैंने ठोका पिंदो करो मैंने टपट गयो और बी के बाद के माई मैंने गाड़ी में गाल पाई कोशिश करी मैं बाहर गयो बट तक तो मारे मोटरसाइकिल पीछे होकर मैं बटो कमरा के माई गाल पाई कोशिश करी बाकी हमारी कोई गलती नहीं है। मारपीट घर वाला कौन बोला? मारपीट घर वाला भाई साहब है थोड़ा कमी सा मेघराज ही नाम आपका नहीं साहब रिपोर्ट देखो कहीं मैं बस गार्डियन खड़ी कर पाकि वापस आयो वापस आप सरपंच साहब ने पूछना थी आज सुबह 9:30 बजे ही घटना है फिर मैं सरपंच साहब ने रान बताया कि हमारे साथ नहीं है उनको आज हाथ से हो दरबार सरपंच साहब और गांव का सब भाई लोग आया दरबार बातचीत।